21 डेज का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसमें लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो इसकी वजह से लोगों ने अपने जो भी एसेंशियल आइटम्स है, जैसे कि फूड, अपना ग्रेन्स, मेडिसिन और जो हमारी डेली ईटेबल्स होते हैं जिनकी हमें नेसेसिटी होती है, उन सब चीजों को लोगों ने बहुत ज्यादा होर्डिंग करनी शुरू कर दी थी अपने घरों में। और जितने भी जो गरीब लोग थे, इसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जैसे जैसे ही लोगों ने होर्डिंग करना स्टार्ट करा, उसकी कमी पड़ गई जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स और मेडिकल स्टोर है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनके रेट्स हैं, जो हमारे ईटेबल्स है, जो हमारे नेसेसरी थिंग्स है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो MRP है वो बढ़ गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, करप्शन हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, डिमांड और सप्लाई गैप को हमें मेंटेन करके चलना है कि जितना हमें जरूरत है उतना ही हम प्रोडक्शन करें, उतना ही प्रोडक्शन करें, उतना ही एक सूटेबल बैलेंस। हम देख सकते हैं कि जो करप्शन का मेन कॉज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना काम करवाने के लिए गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं और वो उन्हें पैसे देके उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक आसाम की बात है जहाँ पे उन्हें वो बनाना था, एक कंपनी सेटअप करनी थी, एक फॉरेन कंपनी सेटअप करनी थी, और उनकी वजह से उन्होंने क्या करा कि जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, उन्हें अपना फॉरेस्ट, अपना लैंड छोड़ के जाना पड़ा। सो हमें क्या करना है कि जो हमारे ट्राइबल पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें उनके लॉज, उनके राइट्स, उनके बारे में बताना है, ताकि आगे जाके जब भी उनके साथ कोई करप्शन हो या कोई उनका मिसयूज करे तो उन्हें उनका पता चल सके। एंड सेकेंड वन इज स्ट्रिंजेंट लॉज, जिन्हें हम बना सकते हैं। सिर्फ लॉज बना के कुछ नहीं होगा, वी नीड टू अप्लाई देम इन द रियल लाइफ, सो दैट कि करप्शन हो तो हम उसका फास्ट ट्रैक कोर्स का यूज कर सके, उन्हें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। थैंक यू। सो वेरी नाइस अल्फा कंपनी, वेरी नाइसली पुट एंड वेरी नाइस पार्टिसिपेशन बाय ऑल सी एंड सीनियर एंड जूनियर कैडेट्स, वेरी नाइसली पुट ऑल द पॉइंट्स स्नेहा एंड काजल, गुड। थैंक यू फॉर द डिटेल। थैंक यू मैम। चार्ली कंपनी, राजकुमारी जैन मैम, आई एम कैडेट राजकुमारी फ्रॉम चार्ली कंपनी एंड आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन भ्रष्टाचार को किस प्रकार कम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार का शासन हो गया दिशा दिशा में गान है, भ्रष्टाचार का शासन हो गया दिशा दिशा में गान है, देखो सब कुछ हो गया महंगा, देखो देखो सब कुछ हो गया महंगा, बस सस्ता इंसान है। भ्रष्टाचार का अर्थ तो इसी के अंदर है ना, भ्रष्ट भ्रष्टाचार, जहाँ पे हमारा आचार, हमारा व्यवहार गलत हो जाता है, बस वहीं पे भ्रष्टाचार आ जाता है। भ्रष्टाचार का मेन कारण है मैं, यानी कि मैं, मेरा माइंड, माई सेल्फ, बस और कुछ नहीं। जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारे अंदर मैं की भावना आ गई है, ये चीज सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं, बस वहीं से शुरुआत हो जाती है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक प्रकार, अब राजनीतिक प्रकार भी क्या, राजनेता जो कि वोट मांगने के लिए मतदाताओं को लालच देते हैं, पता नहीं कौन कौन किस किस प्रकार के लालच, और हमारे मतदाता जो कि अशिक्षित होते हैं, ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है, लेकिन इंडिया में एजुकेशन, एजुकेशन का क्या, एजुकेशन तो इंडिया में कहीं पर रेफर नहीं कर रही है, हो रहा है, एजुकेशन चल रहा है, लेकिन एजुकेशन अभी भी इंडिया में बहुत कम है। उस हिसाब से जो वोटर्स हैं इंडिया के, वो ज्यादातर शिक्षित नहीं है, और वो बेचारे राजनेताओं के लालच में आकर गलत तरीके से वोट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा एक वोट कितना कीमती होता है, हमारे देश को कहां से कहां ले जा सकता है। हम अगर सही वोट देते हैं तो हमारा देश विकसित कहलाएगा, लेकिन अगर वही हमारा कीमती वोट एक गलत इंसान को पड़ जाता है तो वहीं पे हमारा देश अभी विकासशील है और शायद भविष्य में और नीचे भी आ सकता है। अगर मैं बात करूं तो कोरोना को तो अभी
साल भी नहीं हुआ है, लेकिन हम कोरोना को, कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के